अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा साहब की एक्सटेंशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट से एक वजाहती बयान सामने आया है, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में इदारों के हवाले से एक बड़ी सख्त करारदाद पेश की गई, बल्कि मंजूर भी की गई, उसकी तफसीलात भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, खबर जनाब जंग न्यूज में लगी हुई है, दिगर मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। खबर क्या है जी? खबर है जी जाली अकाउंट्स केस, मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरूने मुल्क जाने की इजाजत। अब ये जाली अकाउंट्स केस कौन सा है? ये वो केस है जिसके अंदर जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप, वो सारा मामला आपको याद होगा। अब अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इस खबर की तफसील के मुताबिक जनाब उनका उन्होंने जब उनको जमानत मिली थी तो उनका पासपोर्ट सरेंडर कर दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उनको इजाजत मिली है। उनके वकील फारूक एच नायक, जी हाँ जी, फारूक एच नायक जो जरदारी साहब के भी वकील हैं, मखसूस नशिस्तों के लिए भी जो पहुंचे थे उधर पिशावर हाईकोर्ट तक, जिन्होंने मुकदमा लड़ा और हर जगह पे आपको नजर आए, तो वही वकील हैं डॉक्टर डिंशा के। और डॉक्टर डिंशा बाहर जाना चाहते हैं जनाब, दो महीने के लिए उनके किसी अजीज की शादी है। अच्छा, इसी खबर की तफसील में लिखा हुआ है कि वहां पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, मुलजिम अगर जाता है मुल्क से बाहर, उसको इजाजत मिलती है एक दफा जाने की, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अब ये जो जाली अकाउंट्स केस है ये कौन सा केस है जिसमें जरदारी का नाम था, ओमनी ग्रुप का नाम था, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। दुनिया न्यूज की खबर है, ये 25 दिसंबर 2018 की खबर है, और इस खबर के मुताबिक ओमनी और जरदारी ग्रुप जाली अकाउंट्स के जिम्मेदार जायदादें मुंजमद मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात की जाए, JIT की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। आजकल ये जो JIT करते ना, ये JIT की रिपोर्ट है। जब सदर जरदारी साहब बने थे सदर, उस वक्त भी मैंने वो रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाई थी और बताया था कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा है। अच्छा, अब इस खबर के अंदर जो ये तमाम JIT की जो चीजें उसमें लिखा हुआ क्या था, खबर के अंदर उसका खुलासा लिखा हुआ ये सामने आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जगहों से भी आपको मिल जाएगा। बिलावल हाउस के खानों, यूटिलिटी बिल्स, कुत्तों की खुराक, बकरों, बिलावल के लंच का बोझ जाली अकाउंट्स ने उठाया, ये JIT रिपोर्ट ने बताया था जी। सिंध में इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, ओमनी ढाल डंशा साबिक सदर का फ्रंटमैन, प्लाटों की बंदर बांट, ये करप्शन देख के एक चावल के बराबर है। बैरी आइकोन एक वहां पे बिल्डिंग बनी थी वो भी गैर कानूनी है, JIT के सरबराह ने ये भी बताया, और भी बहुत सारी तफसीलात इसमें लिखी। अगर आप खबर को थोड़ी सी तफसील से पढ़ें, इस मौके के ऊपर जनाब अब ये JIT का जो सरबराह है उसने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया था कि सरबराह एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि साबिक सदर के कपड़ों, ड्राई क्लीनिंग और फैमिली के महाना अखराजात की अदायगी ओमनी ग्रुप के अकाउंट से होती रही, 1,20,00,000 से 1,50,00,000 महाना खर्चा ओमनी ग्रुप के अकाउंट से अदा किया जाता है। ये पाकिस्तान के तमाम इदारे इसमें शामिल थे जो तहकीकात करते हैं, जिसमें एहसास अदारे भी हैं, ये JIT बनी थी, उन्होंने ये बताया था। और JIT के मुताबिक जनाब बिलावल हाउस के कुत्तों के खाने और सदके के 28 बकरों के अखराजात जाली बैंक अकाउंट से दिए गए। अच्छा, इसके साथ अगर आगे आप खबर पढ़ें, JIT के सरबराह ने मजीद बताया कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में आइकॉन टावर बनाया गया है, आइकॉन टावर जरदारी का फ्रंटमैन डंशा 50% शेयर्स का मालिक है। जी हाँ जी, आइकॉन टावर में जरदारी साहब का फ्रंटमैन, ये JIT ने ये बताया वहां पे कि जी वो ये जरदारी साहब के फ्रंटमैन है, और ये जो आइकॉन टावर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसमें ये 50% शेयर्स के मालिक है, जिस पर उनसे अदालत ने पूछा कि आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन होने का क्या सबूत है आपके पास, तो JIT के सरबराह ने अदालत को बताया कि बैरिया आइकॉन गैर कानूनी तामीर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 1.2 अरब रुपए आसिफ जरदारी की हमशीरा फ्रयाल तारपुर के अकाउंट में गए, जिससे लाहौर बिलावल हाउस और टंडो अलायार की जमीन खरीदी गई। इसके साथ साथ अदालत ने उनसे पूछा कि लाहौर का बिलावल हाउस किसकी मलकियत में है, जिस पर JIT ने कहा कि पहले तोहफे में दिया गया था, बाद में तोहफा वापस करके बैरिया टाउन को आधी रकम अदा कर दी गई। मतलब ये है, मैं थोड़ी सी तफसील आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस ये जो इतनी बड़ी JIT बनी थी और ये इतना बड़ा स्कैंडल था और इसमें इतने ज्यादा पैसे आए थे और इतने ज्यादा जाली अकाउंट पकड़े गए थे, अब उसका जो मेन किरदार था JIT के मुताबिक वो तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो तो इस वक्त आपके सदर बन गए, और ये जो उनके मुबैना फ्रंट मैन थे उनको भी अदालत ने इजाजत दे दी कि आप बैरून मुल्क जा सकते हैं किसी शादी में,
उन्होंने शिरकत करनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नैब ने कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है, जाएं जी, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो खबर रिपोर्ट रही है। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। पिछले दिन उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गैर रस्मी गुफ्तगू के बाद सहाफियों ने कहना शुरू कर दिया कि जी उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं अगले महीने और वो नहीं लेंगे जो है किसी किस्म की एक्सटेंशन। लेकिन उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजाती बयान जारी किया गया है कि ये एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, इसको इनएक्यूरेट तरीके से रिपोर्ट किया गया। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि अगर उनके ओहदे की मियाद में इजाफा किया गया तो वो उन्होंने हुकूमत से माजरत की थी। यानी इसका दूसरा मतलब यह लिया जा सकता है कि अगर तमाम जजेस की जो है वो उम्र बढ़ा दी जाए तो फिर काजी फाइज ईसा साहब रिटायर्ड नहीं होंगे, वो कर ही रखेंगे। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि यह हुकूमत का प्लान है और ये 23 और 24 अक्टूबर की रात तक हुकूमत कोशिश करती रहेगी कि इस प्लान के ऊपर अमली जामा पहनाया जाए और ये जो जुडिशियल रिफॉर्म पैकेज है वो ये लेके आए और काजी फाइज ईसा साहब को अगले 3 साल भी मिल जाए। अब काजी फाइज ईसा साहब लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कानून पास हो गया तो काजी फाइज ईसा साहब जो है कभी इम्कान है कि वो इसको लेंगे। उन्होंने किसी मौके के ऊपर ये नहीं कहा कि मैं अगले महीने रिटायर्ड हो रहा हूं, किसी मौके के ऊपर ये हुकूमत ने नहीं कहा कि मंसूर अली शाह साहब अगले महीने जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। काजी फाइज ईसा का तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हुआ था, मंसूर अली शाह साहब का तो नहीं हो रहा। ये वो वजह है जिसकी वजह से सारी चमकगोइयां होती हैं, सारी बहस चलती है। हुकूमत आज ये बहस खत्म कर सकती है, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन निकाल दें। यही वो जो कानूनी तरमीम या आईनी तरमीम ये लाना चाहते हैं उसके हवाले से असद कैसर साहब ने भी कहा है कि हुकूमत एक इंतहाई खतरनाक बिल ला रही है। ये वो जो तरमीम है जुडिशियल पैकेज है जिसके हवाले से जो रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी सोर्सेज बताती हैं कि हाई कोर्ट्स के जज साहिबान की पोस्टिंग हो सकेगी और चीफ जस्टिस जो है वो उनके मतलब वो भी कैरी ऑन करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं, देखते हैं कि अब हुकूमत ये बिल मंजूर करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी, उनके नंबर पूरे होंगे या नहीं पूरे होंगे। लेकिन हुकूमत की ये मुकम्मल ख्वाहिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीनियर हुकूमती शख्सियत ने मुझे खुद बताया कि जनाब ये मामला हम देख रहे हैं और इसको हम लेके आएंगे, अभी तक हमारे नंबर पूरे नहीं है, आगे ये नंबर पूरे होते हैं या नहीं होते वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई है और उसमें जो सियासी किरदार है इदारों का, सियासत में मुदाखलत है, उसके खिलाफ ये करारदाद मंजूर की गई है। इसमें बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, कहा गया कि उन लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। वो लोग जो इस वक्त सियासत में मुलविस हैं, जो इदारों को बदनाम कर रहे हैं, कुछ जो अफसरान हैं वो सियासत के अंदर हिस्सा लेते हैं और लिहाजा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एट द सेम टाइम जो हमारी फौज की लाजवाल कुर्बानियां हैं, दहशतगर्दी की जंग हो जाए या दीगर हो जाए, उसको खराज तहसीन भी पेश किया गया है। तो ये एक बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर इदारों के सियासी किरदार या फिर इदारों के मुबैना सियासी किरदार के हवाले से ये करारदाद मंजूर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमने देखा कि बड़ी सख्त तकारीर भी की गई और उधर कहा गया कि इदारों का ऐसा सियासत में किरदार है जो नहीं होना चाहिए। हर किसी ने अपने किस्से भी सुनाए कि जनाब मेरे साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। तो ये वो सारी चीज है जिसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं, जंग न्यूज की खबर है, डॉन के अंदर भी इसकी तफसील है और ये करारदाद भी मौजूद है जिसके अंदर तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं और जो है जिसमें ये सारी चीज को सामने रखा गया है और इसकी मुजम्मत की गई है। और ये एक तरह से वहां पे मेजॉरिटी ने, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने इस करारदाद को मंजूर किया है। अगर आप इस करारदाद की तफसील को देखें तो हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे, 2 सालों में चंद अफसरान की मुदाखलत हलफ की खिलाफ वर्जी है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये गद्दारी के जुमरे में आता है। अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए, इन अफसरान को गैर इंसानी इकदाम से रोका जाए, ये ईमान सरहदों पर कुर्बानी देने वाले नौजवानों को खराज तहसीन पेश करती है, सियासत को फौज की मुदाखलत से पाक किया जाए, हालात खराब हुए तो जिम्मेदार चंद अफसरान होंगे, पीटीआई कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत करता है ये ईवान, हम बानी पीटीआई यानी हम इमरान खान की खिदमात को खराज तहसीन और रिहाई का मुतालबा करते हैं। करारदाद जो है ये शेर अली अफरीदी ने पेश की और ईवान ने इसको कसरत राय से मंजूर कर लिया। अच्छा जी, आईएमएफ के हवाले से 2 खबरें हैं और ये बताती हैं कि ये जो हुकूमत आई थी और जिन्होंने कहा था कि पिछली जो हुकूमत ने मुल्क को गिरवी रखवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जनाब कानून साजी ऐसी हो गई, अब उनकी इस वक्त अपनी कितनी जो है वो अथॉरिटी है आईएमएफ के सामने, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ का दबाव,
पंजाब का इस्लामाबाद के बिजली सार्फीन के लिए रिलीफ वापस। जी हाँ जी, IMF ने दबाव डाला है तो जो इस्लामाबाद के सार्फीन को रिलीफ मिल रहा था वो वापस ले लिया गया है। और जो दूसरी खबर है उसमें जनाब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून इसको रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है IMF की जानिब से इस पाबंदी को कि कोई भी नए इकोनॉमिक या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाए जाएंगे। यहां पे कहा जाता है जी ITCT बनाया जाएगा, वहां पे लोगों को ये मराद दी जाएंगी। हालत ये है कि IMF ने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक। अगर खबर की मैं थोड़ी सी तफसील आपको पढ़ के सुनाऊं, ये खबर शहबाज राणा की खबर है। इन ए मेजर डेवलपमेंट पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कंडीशन दैट इट विल नॉट एस्टेब्लिश एनी न्यू स्पेशल इकोनॉमिक और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो एक्सपोर्ट के लिए या इकोनॉमिक वो जो जोन बनाने की बातें होती हैं, अब हुकूमत ने IMF के सामने तस्लीम किया है क्योंकि आपकी इजाजत नहीं है तो लिहाजा अब हम मजीद नहीं बनाएंगे, किसी किस्म की उनको रिलीफ नहीं देंगे। और जो आगे खबर की तफसील है उस तफसील के मुताबिक के ऑलरेडी जो अभी अवेल्ड एंड एग्जिस्टिंग जोन्स हैं विल नॉट बी एक्सटेंडेड आफ्टर एक्सपायरी, यानी टैक्स इंसेंटिव्स जो अभी दिए गए हैं अवेल किए हुए हैं उन जोन्स ने जो अभी जोन्स काम कर रहे हैं, जब वो एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद दोबारा उनको किसी किस्म की मराहत नहीं दी जाएंगी क्योंकि ये IMF की कंडीशन है। तो ये जनाब IMF के दबाव के तहत हुकूमत ने ये फैसले किए हैं। और जो पिछली हुकूमत थी उसको ये लोग ये कहते थे कि इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो आजाद नहीं है, मुल्क को गिरवी रख दिया पार्लियामेंट के अंदर, जिस किस्म के ये नारे लगाते थे वो नारे आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।